बोले रात की 8 दिन में 8 बजे उठा देना, इतना भी तेरा माँ बाप चांस नहीं दिया है कि जहाँ जो पति देव कहे माने उसको, मांगरा वाली। अरे महादेवा वाला, जहाँ तू लिख के टांगा है वहीं पे हम भी टांग दिए हैं। आए खाए की बटा मेरे। देव सो के उठ जाइए, 8 बज गया है। प्रणाम बाबू जी। खुश रहो खुश रहो। रेडी हो गए हैं? हाँ चलिए चलो तो फिर चलिए। ओके मास्टर साहब प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। अरे स्कूल आई नहीं आया? कहाँ नहीं गया? आ रहे हैं सर आ रहे हैं। ठीक है आओ। ओह यस प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। ओके खुश रहिए। आप अपना लड़का के नहीं भेज रहे हैं स्कूल? गुरुजी भेजेंगे, थोड़ा सा नजर आया कोई काम धंधा। नहीं नहीं ठीक है ध्यान दीजिए, इधर कहते हैं कि पढ़ाई कम का होता है, लाइए बच्चा को स्कूल में। ध्यान दीजिएगा गुरुजी। ठीक ठीक भेजिए। हम सोच रहे ना बाबू कि तुम भी सयान हो गया है, अब शादी ब्याह तुम्हारा भी हम करवाइए दें। आए मास्टर जी, आप अपना शादी से खुश है? नहीं बाबू, हम तो शादी से अपना खुश नहीं है। बताइए मास्टर जी, आप शादी से खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रहेंगे? मास्टर जी मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है। क्या बोलो बाबू? आपके कक्षा में सुंदर सुंदर कन्याएं आती है, उससे आप तैयार करा दीजिए, 2-4 महीना ट्रेनिंग कर लेंगे फिर शादी ब्याह तो हो ही करेगा। एफ़आईआर मैंने कहा होता है मास्टर जी, सेटिंग होता है, फसा दीजिए। सेटिंग? हाँ मतलब सेटिंग लड़की लोग से। अरे मादर चोटा, ये क्या बोला रे? अरे उठो, हमारा आइसक्रीम खराब हो रहा है धूप में, चलो उठो जल्दी, चलो 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 बैठो। ओह यस चलिए। का खा गा घा अंगा। सर देखिए सर, महादेव हमको मार रहा है। नहीं सर। कहाँ मारता रे? कौन सी फट गया रे? कैसे फाड़ दिया? नहीं फाड़े। ओके तू नहीं फाड़ा था? नहीं। पढ़ता है बदमाशी करता है? पढ़ता है नहीं? ओह यस। साथ में रखो उसको और पढ़ो। ए कोई हल्ला नहीं करेगा? बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दूसर का एप्पल, डी फॉर दूसर का एप्पल। अरे कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा रे? तो बच्चा जितना हम पढ़ाए तुम लोग सब पढ़ो, थोड़ा हमरा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आराम करते हो। ठीक है सर। गजोधर जी। तो बच्चों देखा कुंभकर्ण कैसे सोता था? अरे मास्टर साहब आइए, प्रणाम प्रणाम बैठिए। प्रणाम प्रणाम। बच्चा थोड़ा देश का भविष्य है और ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे देश का भविष्य है। बहुत सुंदर बच्चे लोग हैं, देखिए। आप सो के रहते हैं इस तरह तब दिक्कत हो जाएगा पढ़ाई लिखाई में, इसीलिए वेतन जो है हम लोग के रुक जाता है। नहीं सर पढ़ा रहे थे ए फोर एप्पल। ये तो ठीक है, देख रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं आप। oh, yes. तो कहाँ सिखा रहे थे सर कि कुंभकर्ण कैसे सोता है? हाँ वो तो ठीक है। बच्चा लोग मास्टर साहब टीचर जो है आपकी बढ़िया से पढ़ाई करा रहे हैं ना? ठीक निकलते हैं मास्टर साहब। ठीक सर प्रणाम। अरे बाबू तू कुछ पढ़ लो, मास्टर के बेटा अनपढ़ रहेगा का? तेरा माई के गजोधर हमको पढ़ाई करे साला, ला कुर्सी बैठेंगे हम, तुम पढ़ाओ और हम देखेंगे।
लो रे बाबू बैठो, मेरे बड़ा आदमी से इस तरह बात नहीं किया जाता है बड़े से। oh, yes. कुर्सी दो और निकलो। तोरा जसन गधोदर जी यहाँ टांग के रखते हम। हाँ तो बच्चो, आप लोग ने सीखा कि कुंभकर्ण कैसे सोता है? तो बैगन। हाँ तो बच्चो बैगन, अभी जो सबसे पहले अच्छा पेंटिंग करके दिखाएगा oh, yes. उसको हम गिफ्ट में ये पेन देंगे। जी सर। सर बैठ जाए। अभी तक कहा था, कितना टाइम हो गया, का धर्मशाला समझ के रखा है कि पाठशाला है? बैठो। दीजिए सर, पेंटिंग बना दिए। देखो ये बच्चा नाम रोशन करेगा भविष्य का। बोले तुरंत बना के ला दिया, दो देखे। अरे साला, इसमें कहा कुछ छापा नहीं रे, कौन पेंटिंग है? सर इसमें आधुनिक जमाने की पेंटिंग है। इसमें आधुनिक जमाने की पेंटिंग में कहा छापा है? बैगन। कहा है इसमें? सर इसमें गाय घास खा रही है। तो गाय कहाँ है? सर गाय तो घास खा गई, तो यहाँ पे क्या करती, वो तो चली गई। अरे गजोधर, हमको कौन मारा? क्लास से बाहर बैठे हुए थे तो? जल्दी बताओ ना तो क्लास का मां तारी बहन एक कर देंगे हम। अरे बाबू गलती से लग गया रे, जान के नहीं मारा। अरे गजोधर, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं। जन्म ले लिया है एकदम, परेशान करके रख दिया पूरे खानदान को। कहा हो गया सर? अरे उसको तो मार के भगा दिया हम क्लास से। अरे आप कुछ उसको, अरे जो पढ़ा रहे थे आप वो नहीं पढ़ेगा, वो मेरा बेटा वो नालायक निकल गया है। क्या बोले, हम परेशान है उससे, पूरा खानदान है मेरा परेशान है। तो बच्चा लोग, बाहर से चेकिंग करने के लिए ऑफिसर लोग आ रहा है, तो तुम लोग को जो भी पूछे क्लियर जवाब देना है, ठीक है? समझ गए? जी सर। क्या बताएं सर, पिताजी मर गए। बैगन। अरे ये क्या, टीवी में सिखा रहे थे कि लोम विलोम, योगा करने से तो और लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या बताएं सर, इतने में पिताजी सांस अंदर किए और लाइन कट गई, उसके बाद एक घंटा पल्ला नहीं, उतने में पिताजी लटक गए। चलो जाओ बैठो बैठो। तो बच्चा लोग बोलो का गुरुजी डूबले। तो बच्चा लोग तुम लोग का सीखा बोलो तो? तो सारा पढ़ाए सो समझ गया, ठीक है? स्कूल के मास्टर है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हम चेकिंग के लिए आए हैं। बैगन। तो बच्चा लोग मतलब अच्छा से पढ़ता है ने? हाँ सर, कुछ भी पूछिए बेधड़क बता देगा, बता देगा। अरे तुम खड़ा हो, तुम खड़ा हो। और बताओ कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? चंगीला। बैगन। अरे देश के प्रधानमंत्री कौन है से पूछ रहे हैं? चंगीलाल। सलाई चंगीलाल कौन है रे? चंगीलाल हमारे स्कूल के हेडमास्टर है और हम उसके घर में भैंस चराते हैं। तो हमको बोला कि चल जा तुम स्कूल, तुमको 10 रुपए देंगे शाम को सिंघाड़ा खाने के लिए, इसी वजह से हम स्कूल आ गए। बैगन। अच्छा तू ये बताओ कि पैसा तुम देगा कि चंगीलाल देगा? बैगन। जानते हैं मास्टर साहब, आप नकली बच्चा बैठा रखे हैं, इस बात पर हम आपको सस्पेंड कर सकते हैं। कर दीजिए सस्पेंड, हम कौन सा की असली मास्टर है, हमारे जीजाजी मास्टर है, हमको थोड़ी ना कुछ होगा। तुम्हारे जीजाजी कहाँ है? तो हमारे जीजाजी के भैंसिया घर में आ गई है, इस चलते खटाल लेके गए हैं भुवनेश्वरा के। कौन है तुम्हारा हेड मास्टर? जाइए उन्हें कहीं सुतल होंगे। ओके रुकिए, हम सबके सस्पेंड करवाते हैं आप लोग के। जाइए जाइए। हाँ जी, कहा हुआ जी? आप ही स्कूल के हेड मास्टर है? हाँ हम ही है। फर्जी बच्चा बैठा के रखे हैं, फर्जी मास्टर रखे हैं, इस बात के लिए हम आपको सस्पेंड कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा है आपको? बैगन। कर दीजिए तो सस्पेंड, हम कौन सा हेड मास्टर है? मेरा बाबूजी हेड मास्टर। कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी? बकरी का डिलीवरी कराने गए। बकरी? और तुमको यहाँ छोड़ दिए है? ओह नो। लीजिए बाबूजी दिए थे। ओके कोई आएगा था देने के लिए? आज आज तुम लोग सब बच गया, यदि आज हम साढ़ू जी के जगह नहीं आ रहते ने तो सभी के नौकरी आज खतरा में था। बैगन। अरे बेटी चोर, ये तो अपने फर्जी और साला हमरा धमकी दे ले। ओह नो।